मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमारा सेकंड डे है यॉर्कशायर सिटी में। अभी हम ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें अपना कहीं ब्रेकफास्ट समझ में नहीं आता, तो हम अपने घर से पराठे बना के लाते हैं, उसके साथ हम कॉफ़ी ले लेते हैं क्योंकि हम प्योर वेज हैं, हम अंडा भी नहीं खाते हैं। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद हम वाटरफॉल जाएंगे, तो आपको दिखाते हैं वाटरफॉल कैसा होगा। तब तक से कंटिन्यू, बाय। हम लोग आए हैं यहाँ वाटरफॉल देखने, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर वाटरफॉल कैसा है। अभी हमें थोड़ा ब्रेक लेने उतरे हैं, फिर आगे जाएंगे। कितनी दूर है यहाँ सर? अभी अराउंड 40 मिनट्स और लगेंगे हम लोग। तो 40 मिनट्स बाद हम आपको दिखाएंगे कि वाटरफॉल कैसा है। हम आ गए हैं वाटरफॉल के पास और हल्की हल्की साउंड आ रही है पानी की, सुनिए। तो ये मेरे पीछे वाटरफॉल है जो कि आपने अभी देखा, बहुत ही खूबसूरत है। और इसके चारों तरफ बहुत ही प्यारा सा ये ग्राउंड है, पूरा ग्रीनरी से भरा हुआ, बहुत ही पीसफुल जगह है। अपनी फैमिली के साथ पिकनिक वगैरह पे कोई भी आ सकता है आराम से, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत ही वेरी नाइस। हम आ गए हैं वाइट स्कार केव, ये उसके बाहर की सीनरी है। वाटरफॉल के बाद अब हम केव के अंदर जाएंगे। ये केव ब्रिटेन की लॉन्गेस्ट केव है और 1925 में डिस्कवर्ड हुई थी। देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है।
ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं रॉक्स पर, ये एक्चुअली पानी के अंदर कैल्शियम मिलने की वजह से बन रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगता है और ये अभी भी इन प्रोसेस है। ये देखिए विचेस फिंगर, मतलब उसकी स्टाइल की उसकी तरह बन गए वो, देख उसकी तरह रहे हैं। और बहुत ही पुराने पत्थर हैं ये, मतलब आइस एज के टाइम के, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वहाँ से। और ये भी कैल्शियम की वजह से ही बना है, जो पानी में डिप डिप करके इसके अंदर आता है। बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है इन्होंने साहब। और इसी के साथ हम जा रहे हैं घर। और ये हैरी पॉटर्स वाला मूवी का पुल आ गया है, जहाँ पर वो ट्रेन इसके ऊपर से जाती है, स्टीम इंजन वाली। कुछ लोगों को याद होगा जो मूवी देखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड डू लाइक शेयर कमेंट। बाय बाय।